बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर खींचतान की राजनीति जोरों पर है। बात करें वैश्य समाज की तो इस समाज को हर पार्टी ने दरकिनार किया है और पिछड़े वर्ग की राजनीति करने में आगे रहे हैं, जिसके बाद वैश्य समाज के कद्दावर नेता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता की पार्टी कितना दम भर पाती है। बिहार विधानसभा 2020 की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए रैलियां, चुनावी सभा और जोड़ तोड़ की राजनीति कर उन्हें जिताने में जुट गई है। फिलहाल नीतीश की एनडीए वाली सरकार है, परंतु इनके हाथ से सत्ता की चाबी फिसलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में सरकार उसी की बनती है जिसका पिछड़ा वर्ग में वोट बैंक मजबूत होता है। बिहार में राजनीतिक समीकरण काफी तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, मकपा, माले एकजुट होकर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को लुभाने में लग चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा, जेडीयू, हम, वीवीआईपी पार्टी एकजुट होकर अपने हाथ से किसी भी कीमत में सत्ता फिसलने नहीं देना चाहते। बिहार विधानसभा चुनाव के निर्णायक भूमिका वैश्य समाज के 27% वोट बैंक से होती है। वैश्य समाज आर्थिक रूप से तो संपन्न है ही, शायद यही कारण है कि भाजपा इस समाज के वोट और पैसे का उपयोग शुरू से ही करती आ रही है। परंतु बिहार में इस चुनाव में बीजेपी से इस समाज को रणनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने इस समाज की जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी, जिससे इस समाज को बीजेपी के प्रति काफी आक्रोश है। नाराजगी अन्य पार्टियों से भी है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी या अन्य दलों ने इस समाज को हमेशा की तरह इस बार भी दरकिनार कर दिया है। एक तरफ आरजेडी ने एक रौनियार वैश्य समाज को टिकट देकर अपना कर्तव्य से मुक्ति पा ली, तो दूसरी ओर जेडीयू ने इस समाज को खासा भाव नहीं दिया है। भाजपा ने तीसरी लिस्ट में लगभग 8 से 9 सीट देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। जब भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एवं उप मुख्यमंत्री सुनील मोदी, जो एक कद्दावर नेता हैं, बावजूद 27% आबादी वाले वैश्य समाज को उपेक्षा करना और 2 से 6% आबादी वाले समाज को समुचित प्रतिनिधित्व देना कहीं भाजपा को भारी न पड़ जाए। वीवीआईपी के नेता मुकेश सहनी 6% आबादी वाले हैं, बावजूद उन्हें 11 सीटों से सम्मानित किया गया, जिसके बाद वैश्य समाज के बिहार चुनाव में इन पार्टियों को हराने का बीड़ा उठाया है। बिहार के वैश्य समाज के कद्दावर नेता जगन्नाथ गुप्ता ने अपनी पार्टी सर्वजन पार्टी भारत बनाकर 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उनके खाते में कितनी सीट आएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, पर जहां जहां भाजपा के प्रत्याशी खड़े हैं वहां वहां नुकसान अवश्य होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, और बिहार में आने वाले वक्त में 27% आबादी वाले वैश्य समाज की सरकार बन सकती है। जब इस ज्वलन मुद्दे पर वैश्य समाज के कद्दावर नेता जगन्नाथ गुप्ता से हमारी टीम ने संपर्क किया, तो उन्होंने चैनल पर इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हम अपनी राजनीतिक रणनीति की शतरंज की चाल को अभी खोलना नहीं चाहते। बावजूद चैनल उन्हें समझाने में कामयाब हुआ। आइए आपको दिखाते हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज हमारे साथ बिहार की राजनीति के एक दिग्गज नेता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच जाएंगे? सर्वजन पार्टी भारत हम लोग ने बनाने का काम किया है जी। और बिहार में 51 सीटों पर मैं चुनाव लड़ने की घोषणा किया हूँ, और हमारे उम्मीदवार जो है मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं,
और उनको हर तरह से हमारा पार्टी जो है सज्जन पार्टी भारत जो हर तरह से मदद करके बिताने का काम करेगा जी। और विधानसभा में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जीता कर लाने का काम करेंगे। सज्जन पार्टी का निर्माण क्यों हुआ, काहे हुआ, तो आज तक मैंने देखा कि जितने भी पार्टियां बिहार में हैं, या केंद्र की पार्टी हो या प्रदेश की पार्टी हो, वह समाज, खासकर वह समाज जिसकी आबादी 27% आबादी है, उस समाज को तमाम पार्टियों ने धोखा देने का काम किया, तमाम पार्टियों ने उपेक्षा करने का काम किया है, और टिकट बंटवारा में हमारी बातों को अनसुना करने का काम किया है। जो आबादी के अनुसार हम लोगों ने मांग जो किया था, उस मांग को ठुकराने का काम किया है, उस मांग को मानने का काम नहीं किया है। तो हम लोग निर्णय लिया है कि वह समाज अब किसी पार्टी का याचक नहीं रहेगा, अब दाता रहेगा। हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि हम लोग जैसे दाता रहे, देने वालों में रहेंगे। और उस वजह से हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया, और आज शुरुआती दौर में 51 उम्मीदवारों को हम मैदान में उतारने का काम किया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे 51 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? कई तरह के बिहार में बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, महिलाओं पर दिन प्रतिदिन घटनाएं जो हो रही है उसकी समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं। आज तक एनडीए सरकार में मैं वर्षों से व्यापारी हित के लिए मांग करता रहा कि एक व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाए, लेकिन आज तक एनडीए सरकार ने 15 वर्षों के शासन काल में व्यवसायिक आयोग का गठन नहीं किया गया, जिसके वजह से व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उस समस्या को हम सरकार तक पहुंचाने में अक्षम है। इसलिए जो हमारी गठबंधन की सरकार हमारी मदद से अगर सरकार बनती है, तो इन सारी समस्याओं को हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखने का काम करेंगे। जो व्यापारियों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, किसानों की समस्या है, जो भी समस्या है, वो समस्या को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसको जैसे सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने दिलाने का काम करेंगे। इस तरह से सज्जन पार्टी भारत का ऐलान है। इसे जानना चाहे बिहार में बनिया समाज क्या आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी तक बनिया समाज, वैश्य समाज जो है, सब बीजेपी को वोट देता है, आपको क्या लगता है? यही तो रोना है, वह समाज को यही रोना है कि 100% वोट भाजपा को करते हैं, और भाजपा हम लोग को फील करता है, भाजपा हम लोग को जो है से दरी बिछाने का काम करता है, नोट लेने का काम करता है, उपेक्षा दृष्टिकोण से देखता है, और सत्ता में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वह हिस्सेदारी नहीं देता है। हमारी मांग है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी 27% आबादी वाला यह समाज भाजपा को 100% वोट करता है, लेकिन भाजपा जो है आबादी के अनुसार सीट नहीं देता है। इसी वजह से मुझे जैसा नौजवान को, वह समाज के नेता को एक पार्टी का निर्माण करना पड़ा। अब पार्टी सर्वजन पार्टी भारत है, जो वह समाज के हितों के साथ साथ अन्य समाज को भी जो है ख्याल रखने का काम करेगा। यह हमारा दलित समाज हो, हमारा अति पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, उपेक्षित समाज हो, हर समाज के लोग जो है इस सर्वजन पार्टी भारत को जो है हम सम्मान देने का काम करेंगे, दिलाने का काम करेंगे। और सभी को हमारा नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम आबादी के अनुसार सर्वजन पार्टी में, हम आबादी के अनुसार सभी जात बिरादरी, सभी धर्म वालों को, लोगों को हम उसी अनुसार हम टिकट भी देंगे, उसी अनुसार हम पदाधिकारी भी बनाएंगे, और सबको मान सम्मान देकर इस पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। जगन्नाथ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे 51 सीटों में से अगर आपके कुछ प्रत्याशी जीत जाते हैं, या 51 सीटों पर आप जीत जाते हैं, तो क्या आप गठबंधन किसके साथ करेंगे, किसके साथ मिलकर पार्टी बनाना चाहेंगे? निश्चित तौर से
मेरा प्रथम प्रयास है कि 51 सीटों पर जो हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं, तीन चरणों में चुनाव होगा। हम तमाम चरणों में हम अपने उम्मीदवार की जीत के लिए स्टार प्रचारक के रूप में हम तमाम साथियों के साथ जाएंगे और जिताने का काम करेंगे। जब हमारे कई साथी जब जीत कर आते हैं और निश्चित रूप से बिहार में किसी की सरकार, किसी की बहुमत नहीं आने जा रही है। ये आकलन, ये सर्वे है कि किसी की भी सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है। और जब हमारा जीतकर विधायक जब आते हैं तो कौन पार्टी मेरे साथ गठबंधन करती है और हमारे गठबंधन में हम पार्टी के ख्याल रखना चाहेंगे। जो भी पार्टी हमको सम्मान देगी, मान देगी और पार्टी के अनुसार और बिहार की जनता के हित की बात करेगी, उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। हमको अभी किसी पार्टी से परहेज नहीं है। अभी एक ही मकसद है कि हम अधिक से अधिक अपने उम्मीदवार को कैसे विधानसभा में जिताकर लाने का काम करें। जगन्नाथ जी, अभी आपने कहा जो हमें सम्मान देगा, जो हमें मान देगा, उनके साथ हम गठबंधन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप बीजेपी से अलग हुए हैं, अगर बीजेपी के साथ, बीजेपी बोलती है आपके साथ गठबंधन करने के लिए, तो क्या आप उनके साथ जाना पसंद करेंगे? यही तो कोरोना था, भाजपा ने आज तक सम्मान नहीं दिया। भाजपा में जाने के बाद मैं देखा कि भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है, अपर कास्टों की पार्टी है और वैश्यों की पार्टी, वैश्य की पार्टी केवल कहने के लिए है। लेकिन उस भाजपा में वैश्य समाज को उचित सम्मान नहीं मिला है, आने वाले दिनों में नहीं मिलता है, उसके वजह से हमको पार्टी बनाना पड़ा। अगर भाजपा ही अगर वैश्य समाज को हित को ध्यान रखती, आबादी के अनुसार टिकट देती, तो निश्चित रूप से हम उसके बारे में सोचते। लेकिन आज तक भाजपा जैसी बड़ी पार्टी वैश्य समाज को घोर उपेक्षा किया। टिकट के सवाल पर भी भाजपा ने वैश्यों को इतना उपेक्षा किया कि अंत में मुझे पार्टी बिहार की वैश्य समाज के लोगों को ये पार्टी बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब आज पार्टी बनाकर खड़ा किया हूँ और निश्चित रूप से हमारा वोट बैंक जो है, जो हमारा वैश्य समाज है, 27% आबादी वाला यह वैश्य समाज निश्चित रूप से अपनी पार्टी सर्वजन भारत पार्टी के साथ जुड़ रही है। उसके साथ अति पिछड़ा समाज हमारा है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उपेक्षित समाज है, सब मिलाकर हम सभी को मान सम्मान देंगे। बिहार में जी हम लोग ने 51 सीटों की जो लड़ने की जो घोषणा किया है जी, और प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें हम लोग शुरुआती दौर में निश्चित रूप से हमारा पार्टी का मानना है कि हम अधिक से अधिक उम्मीदवारों को जीता कर लावे और बिहार में जब सरकार बहुमत में नहीं कोई आती है तो जो पार्टियां जो हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा, जो मेरे साथ सम्मान करेगा, जो बिहार में हित की बात करेगा, वह समाज को उपेक्षा नहीं करेगा, व्यवसायिक आयोग की हमारी मांग को मानेगा और जो बेरोजगार लोग हैं, जो समस्या है, जो कृषि की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, महिलाओं के साथ जो दिन पर दिन इस तरह की प्रताड़ना का शिकार जो हो रही हैं, इन सारी समस्याओं को जो है जो पार्टी जो मानने के लिए तैयार होगी, एजेंडा में उनका रहेगा, हम लोग ऐसे लोगों को जो है साथ देंगे, इस पर कोई परहेज नहीं है। जी धन्यवाद जगन्नाथ जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि इस चुनाव में आप भारी बहुमत के साथ जीते। जितनी सीटों पे आपने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, हमारी पूरी टीम, वैश्य परिवार की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारे जैसे व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेकर पूरे बिहार, पूरे देश में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ज्यादातर इन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।